ये साल वो वर्ष है 1976 का, जिसमें एक ऐसी शख्सियत की आमद हुई जो बनने तो आए थे एक्टर लेकिन बन गए डायरेक्टर, और कालांतर में जाके राज कपूर के बाद इनको टाइटल मिला, लोग इनको कहने लगे शोमैन ऑफ मुंबई फिल्म इंडस्ट्री। एनी गेस कामनी जी? सुभाष घई। इसका मतलब ये जो भी टाइटल दिया गया था बिल्कुल सही था। 1976 से लेकर अब तक इतने साल हो चुके हैं, और उसके बावजूद अगर लोगों के दिमाग में एक पर्टिकुलर टाइटल किसी खास व्यक्ति की इमेज के साथ जुड़ा हुआ है और याद है, तो इसका मतलब सुभाष घई सचमुच में उस टाइम के फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन थे। उनसे पहले राज कपूर को शोमैन कहा जाता था। सुभाष घई के बारे में आपको बता दूं, इनके पिताजी डेंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, और बेसिकली जो डॉक्टर फादर थे अपने बेटे सुभाष को अकाउंटेंट बनाना चाहते थे, लेकिन बालक सुभाष के मन में उमंग जाग गई एक्टर बनने की, कि मुझे एक्टर बनना है। हिंदुस्तानियों को हमेशा से कला जगत या फिल्म का जगत हमेशा से आकर्षित करता रहा है। सिनेमा, क्रिकेट और करप्शन, ये तो पहचान रही है हमारे भारत की। तो बालक जो यंगस्टर सुभाष गई था, उसके मन में भी ख्वाब पनप रहे थे हीरो बनने के। डरते डरते पापा से एक दिन मन की बात कह दी कि मुझे अकाउंटेंट बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो एक्टर हीरो बनना चाहता हूं। बिल्कुल गैर फिल्मी सी फैमिली थी, जो भी एक हमारे नॉर्थ इंडिया की जो भी एक परिवार होता है, और जमाना बिल्कुल अलग था, वैल्यूज अलग थी, लोगों का दृष्टिकोण अलग था। फादर डॉक्टर थे, फादर ने अपने टेबल के ड्रायर से एक कागज निकालने से पहले अपने बेटे सुभाष को कहा, देखो बेटा, अगर तुमने ये फैसला कर लिया है कि तुम एक्टर बनना चाहते हो, हीरो बनना चाहते हो, तो फिर कुछ तालीम लेके, कुछ ट्रेनिंग लेके, कुछ सीख के बनो, वरना फील्ड में तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेगा। और यह कहकर उन्होंने अपने टेबल के ड्रायर से एक न्यूज़पेपर निकाल के दिया, जिसमें एक एड था फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के एडमिशन का। सुभाष घई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि एक पारंपरिक हिंदुस्तानी उत्तर भारतीय फैमिली के पापा इतने बड़े और फिराक दिल के होंगे। देखिए क्या गाइडेंस दी, जो वो उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। खैर साहब, फिल्म इंस्टीट्यूट में उनका दाखिला हुआ, वहां से कोर्स करने के बाद जिंदगी उन्हें लेके आ गई बंबई में। उन्होंने काम करना शुरू किया, जो इस उमंग की बात की थी, उमंग फिल्म में उन्होंने काम किया था, गुरुदत्त के भाई आत्माराम ने फिल्म बनाई थी उमंग। यहीं पे काम करते हुए, संघर्ष करते हुए बात बन नहीं रही थी, फुटपाथों के हम रहने वाले। लेकिन मन में तो बड़े सपने सजो के आए थे बंबई, सपने पूरे होते नहीं दिख रहे थे, कुछ फिल्में मिल रही थी लेकिन बात बन नहीं रही थी। वो हीरो बनने के जो ख्वाब है, उमंगों भरी जो उम्र थी, वो ख्वाबों की ताबीर नहीं हो रही थी, सपने साकार नहीं हो रहे थे। मजबूरी में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि लिखें। मन में ख्याल जागा कि जितना भी काम चल रहा है, किसी और के लिखे हुए डायलॉग से बंधा हुआ हूं, डायरेक्टर के कॉन्सेप्ट से बंधा हुआ हूं, कैमरामैन के फ्रेम से बंधा हुआ हूं, एक कोई ला देता है वही कॉस्ट्यूम पहन लेता हूं, कोई आता है वही जूते पहन लेता हूं, तो मैं हर तरफ से एक कठपुतली की तरह हूं। मेरा अपनी क्रिएटिविटी का जो मयार है, जो सीमा है, वो बहुत लिमिटेड है, बहुत बंधा हुआ और तरह से। लेकिन मुझे तो नभमंडल में ऊंची उड़ान भरनी है, इस इंटेंशन के साथ वो लिखने, राइटिंग की तरफ मुड़ गए। और उनके दोस्त एक थे बीबी भल्ला, उनके साथ मैंने काम किया, घई भल्ला के रूप में उन्होंने अपनी एक टीम भी बना ली, और जाने लगे प्रोड्यूसर्स के दरवाजे पर। किसी ने उनसे कहा एनएन सिप्पी, सिप्पी साहब ने उनको याद किया कि भाई आओ कुछ कहानी वहानी सुना के जाओ। तो सुभाष जी वहां पहुंच गए और अपनी एक कहानी पूरे ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ, पूरी इंटेंसिटी के साथ, जैसा होना चाहिए, इस तरह से, यहां से ये क्लोजअप होता है, यहां से ये ट्रॉली चलती है, उसने
पलट के देखा उसकी आंखों में खून उबल रहा था और यहां से चिल्लाता हुआ हीरो या बाग, पूरे ड्रामेटिक अंदाज के साथ, पूरे एक जैसे कि पूरा का पूरा विजुअल प्रेजेंटेशन उन्होंने सिप्पी साहब के सामने रख दिया। सिप्पी साहब के हाथ में जो चाय का या टैग था वो वहीं का वहीं रह गया, सिप्पी नहीं लिया। सिप्पी साहब ने इस नौजवान सुभाष घई को सुना और कहने लगे कि ठीक है ठीक है, बात आई गई हो गई। सुभाष घई वापस बैक टू द पवेलियन। दूसरे दिन सिप्पी साहब का फिर फोन आया कि यार आ जाओ, मेरा पार्टनर जो है वो भी तुम्हारी स्टोरी को सुनना चाहता है। तो स्ट्रगलर जो होता है ना, उसको जरा सी उम्मीद की किरण दिख जाती है तो उसको लगता है बस सफलता उसके कदम चूमने जा रही है। मुझे तो लगता है कि वो पहुंच गए वहां पर जी, ये भी बड़ी बात थी। जी जी ध्यान रखिएगा आप, हाँ कि ये जो चाह है, चाह के आशा, एक दिन बैठा समंदर तीर पर सुन रहा था बुलबुले की मैं कथा, एक कागज की दिखी कश्ती तभी थी छुपी जिसमें पहाड़ों सी व्यथा, देख इतना भार ये अचरज हुआ चल रही है किस तरह ये धार में, देख इतना भार ये अचरज हुआ चल रही है किस तरह ये धार में, वो हंसी बोली चलाती चाह है आदमी चलता नहीं संसार। वाह वाह क्या बात है, आदमी था ये चाह था, ये किक जो होता है, ये एड्रेनल जो पूरे शरीर में, यही खींच के वापस सुभाष घई को ले गई सिप्पी साहब के यहां। यहां उनका पार्टनर बैठा होता, फिर उसी प्रेजेंटेशन के साथ, उसी इंटेंसिटी के साथ नौजवान सुभाष घई ने अपनी फिल्म की कहानी का प्रेजेंटेशन दिया, नक्शा खींच दिया दोनों के सामने कि फिल्म दिखने लगी, मैं बहुत कामयाब हो जाऊंगा ये प्रोग्राम जब हमारे जितने श्रोताओं को ये प्रोग्राम दिखने लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? सो ऐसा चित्रण खींचा सुभाष घई ने कि दोनों को दिखने लगा कि ये है कहानी, बात आई गई हो गई। एक दिन सिप्पी साहब से फिर इनकी मुलाकात हुई एक पार्टी में, और वहां सब लोगों से जिस तरह से सुभाष घई को मिलवाया कि भाई ये सुभाष घई है, ये हमारे साथ पिक्चर कर रहे हैं, ये हमारी आगे आने वाली फोर्थ कमिंग फिल्म के डायरेक्टर हैं सुभाष घई, इस तरह से सुभाष घई की आमद हुई फिल्म काली चरण। क्या कहानी है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे को ये लगा कि पिता की सीख कि बेटा मैदान जंग में जाने के लिए तमाम असलाह और पूरी शस्त्र के साथ तैयार होकर जाना, आगे बढ़ने से पहले। अरे जी जी काम जी, आप मैं कुछ कह रही थी, मैं आपके एक्सप्रेशन से समझ जाता हूं। जी जी बोलिए फरमाइए। मैं कह रही थी कि सुभाष घई जी न्यूकमर थे और सिप्पी साहब ने उनको बुला लिया और डिक्लेयर भी कर दिया पार्टी में कि ये हमारे नए डायरेक्टर हैं, तो उनका रिएक्शन क्या था? देखिए मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ था और कुछ चीज क्लियर नहीं थी, और इस तरह का रेवलेशन जब सिप्पी साहब ने उनको इंट्रोड्यूस किया कि ये सुभाष घई है मेरी नई फिल्म का डायरेक्टर, शॉकिंग होना चाहिए, ह्यूमन इमोशन कहते हैं कि वो शॉकिंग, हाँ अचरज हुआ होगा कि यार ये क्या हो गया, सोचा था क्या और क्या हो गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।